आज झाझा को मिलने जा रहा है एक अनुपम सौगात। दर्शकों, जैसा कि आप जानते हैं, पिछले दिनों ही रात्रि में सेवा नहीं रहने के कारण एकलौता बच्चा जिसकी मौत हो गई। झाझा की एक विडंबना है कि डॉक्टर रात में दरवाजा नहीं खोलते, ऐसा लोगों का कहना है। ऐसे में झाझा में एक पुष्पांजलि हॉस्पिटल जो 24 घंटा सेवा देने के लिए आज ही जिसका उद्घाटन है, ये बहुत बड़ी सौगात मैं कह सकता हूँ, क्योंकि झाझा में कोई डॉक्टर गेट नहीं खोलता है, ऐसे में लोगों को काफ़ी परेशानी होती। झाझा में हॉस्पिटल खुलना, मेरी तरफ से, हम अपने पूरे टीम की तरफ से तमाम डॉक्टरों को ढेर सारी शुभकामना देना चाहते हैं। हम यहाँ के जो डायरेक्टर हैं, यहाँ के जो डॉक्टर हैं, प्रेम जी से मैं उनसे बात करूंगा, बहुत सारे पटना की टीम आई हुई है, मैं उनसे बात करूंगा, डीएम कार्डियो है, मैं उनसे बात करूंगा। दर्शकों, जैसा कि आप जानते हैं, हर एक दिल का दर्द नहीं होता, हार्ट अटैक नहीं होता, ऐसे में बहुत सारी जानकारी मिलेगी। हम बात करेंगे कार्डियोलॉजिस्ट पटना के जो डॉक्टर आए हुए, सर अपना परिचय देते हुए बताएं। मैं डॉक्टर विकास कुमार हूँ, डायरेक्टर जेवीएन हार्ट हॉस्पिटल, और मुझे बहुत खुशी है कि झाझा जैसी जगह पे 24 आवर इमरजेंसी हॉस्पिटल खुल रहा है, जिससे यहाँ के लोगों को बहुत ही ज़्यादा फायदा होगा और प्रॉपर रेफरल होगा, और पेशेंट जो मालूम नहीं होता कि उनको कहाँ पहुँचना चाहिए, वहाँ उनको पहुँचने में बहुत ही सहूलियत होगी। और मेरी समझ से हार्ट अटैक से बचने का सबसे अच्छा तरीका यही है कि उसका फर्स्ट एड अच्छे से हो जाए। उसके ये बहुत ही बैकवर्ड इलाका है सर, ऐसे में कई लोगों को तो पता भी नहीं होता है कि हार्ट अटैक क्या है, ऐसे में लोग घर में ही मर जाते हैं। तो सर ये क्या समाज सेवा के लिए, समाज के लिए क्या कर रहे हैं? बस हार्ट अटैक के इलाज के लिए कोई बड़ी बड़ी चीज़ें नहीं चाहिए, जैसे हमने कैथलर लगाया, लेकिन बड़ी चीज़ नहीं चाहिए, सिर्फ एक ईसीजी चाहिए और एक टीस्पून की गोली चाहिए, और इससे ज़्यादा कुछ नहीं चाहिए। फर्स्ट एड मतलब 2-3 गोली चाहिए, आपका टीस्पून मतलब एंटीप्लेटलेट और एक कोलेस्ट्रॉल की दवा, इससे बस इतनी सी भी दे देने से मैं समझता हूँ कि मोर्टेलिटी आधी तो ऐसे ही हो जाए, 50% 100% तो नहीं, बट 50% तो मोर्टेलिटी हो जाए, बस एक ईसीजी और इन 300 दवा। इतना अगर किसी को मिल जाए टाइम से सही डायग्नोज होने पे, ऐसा नहीं कि मतलब ब्रेन स्ट्रोक हुआ उसको हार्ट अटैक करके इलाज लोग कर रहे हैं, और ये वो नहीं है ना, सिर्फ इतना सा हो जाएगा तो मोर्टेलिटी 50% है, मैं समझता 20-25% है। बहुत अच्छी जानकारी, मैं यहाँ के हॉस्पिटल के जो डायरेक्टर हैं उनसे बात करेंगे। सर अपना परिचय दें। मेरा नाम डॉक्टर प्रीतम कुमार है, हमारा 100 बेड का हॉस्पिटल पटना में है, लेकिन झाझा मेरा जन्म स्थान हुआ, तो मेरी इच्छा थी कि मैं अपने जन्म स्थान पर जाके काम करूँ, ताकि मैंने जो पढ़ाई की उसकी उससे मेरे गांव के लोगों को या मेरे इलाके के लोगों को सुविधा मिले, उसका फ़ायदा मिले, अपने जड़ को मजबूत करने में यहाँ पहुँचा हूँ। इसमें हमारे दो और डायरेक्टर, मैं कह सकता हूँ कि मिट्टी का कर्ज बिल्कुल एकदम सही है, उसमें हमारे दो सहपाठी जो कि हमारे हॉस्पिटल के डायरेक्टर भी हैं, यहाँ के भी और पटना के भी, वो भी हमारे साथ हैं, हमारी टीम के साथ पूरा मजबूती से खड़े हैं। तो हमारा यहाँ हॉस्पिटल खोलने का जो उद्देश्य था कि मिनिमम कॉस्ट पे यहाँ पे हॉस्पिटल खोले, ताकि यहाँ की गरीब जनता और जो ट्रीटमेंट के अभाव में मृत्यु हो जाती है, असमय मृत्यु हो जाता है, जवान लड़का मर जाता है या छोटा बच्चा मर जाता है, वो एटलीस्ट पटना पहुँच सके, या उसको प्रॉपर ट्रीटमेंट हो, या यहीं हो जाए तो उसका पटना जाने का कॉस्ट रिड्यूस हो जाए। हम लोग ने यहाँ बहुत ही न्यूनतम दर पे हॉस्पिटल खोला है, मात्र 50 रुपया में हम लोग OPD देखेंगे, वो भी सप्ताह में 5 दिन, 2 दिन मुफ्त ही देखेंगे, जो कि शनिवार और रविवार को होगा। बाकी ICU का चार्ज 500 रुपये है, जो कि हमको लगता है कि पूरे इंडिया में, मतलब कि सरकारी अस्पताल में भी 500 रुपये का नहीं होता होगा, हम लोग ने 500 रुपये रखा है, और जनरल वार्ड का कॉस्ट 200 रुपये प्रतिदिन रखा है। इसके साथ ही मैं बता दूं कि ऐसा नहीं है कि यही पैसा किसी के पास हो तो कोई आ सकता है, अगर कोई गरीब भी है जो दवा खरीदने में भी सक्षम है तो आके यहाँ भर्ती हो सकता है, हम उसका मुफ्त इलाज करेंगे। मेरा उद्देश्य यहाँ का सेवा करना है, यहाँ के आदमी किसी की मृत्यु ना हो, सबको चिकित्सा मिले, यही हमारा वो है। ये एक तरह से कह सकते हैं वरदान है झाझा वासियों के लिए। ICU 500 रुपये में और OPD 50 रुपये में। दर्शकों, एक छोटा सा डॉक्टर, छोटा सा ग्रामीण चिकित्सक है, अगर किसी को सलाइन करता है तो 500-1000 रुपये चार्ज करता है। हमारे पटना से आए हुए हमारे अतिथि डॉक्टर हैं, मैं उनसे बात करना चाहूँगा। सर हम लोग का मेन मोटो है कि झाझा में कहीं भी आकस्मिक अस्पताल नहीं, एक आकस्मिक अस्पताल हो, यहाँ पे हर तरह का पॉइजन केस हो या रोड एक्सीडेंट का केस हो, किसी भी तरह का इमरजेंसी केस हो, हम लोग उसको यहाँ पे टैकल कर लें, किसी भी तरह से उसकी मृत्यु मिले, बस हम लोग का ये कोशिश हो। मेन उद्देश्य जिंदगी बचाना है इस हॉस्पिटल का, जैसे कि डॉक्टर आलोक कह रहे हैं। एक बार हमारे साथ चिकित्सक जुड़े, मैं उनसे जाना सर।
कम पैसों में इलाज किया जाए, सीट के जो कम सीख ले किया गया आप लोग कम पैसे में बेहतर सारे सिस्टम मैं दिखाना चाहूंगा अपने सहयोगी से दिखाएं। बहुत सारे सुसज्जित बेड है, बहुत सारी सुविधाएं, आईसीयू की सुविधा है जो झाझा में आज तक मेरे समझ से नहीं थी। ये कार्डियक बेड है, अगर किसी पेशेंट को हार्ट अटैक आ जाता है या बीपी कम हो जाता है तो उसके हिसाब से इस बेड का पोजीशन चेंज करके पेशेंट का फोल्ड कर सकते हैं, पेशेंट को किसी भी स्थिति में मोड़ सकते हैं, लिटा सकते हैं ताकि पेशेंट का बीपी मेंटेन रहे या उसको दर्द करे या सांस लेने तकलीफ हो रहा है तो उसको उठा के बिठा सके, लेटे लेटे मरीज ऊपर की तरफ उठ सकता है। ये कार्डियक बेड है, वहाँ पे आप देख सकते हैं कार्डियक मॉनिटर लगा हुआ है जो एक पेशेंट का कितना हृदय गति है, उनके शरीर में कितनी ऑक्सीजन की मात्रा है और उनका पल्स रेट कितना है, वो आराम से हम लोग उसमें देख सकते हैं। हम लोग को ईसीजी नहीं भी होगा तो उसमें ईसीजी हम लोग आँख से देख के हमारा काम चला सकते हैं। वो वेंटिलेटर मशीन है, अगर किसी को सांस लेने में बहुत तकलीफ है और सांस नहीं ले पा रहे हैं तो कृत्रिम तौर से हम लोग उनको सांस प्रदान कर सकते हैं ताकि उनकी सांस के अवस्था में मतलब कमी से मौत नहीं हो, कार्बन डाइऑक्साइड के रिटेंशन से मौत नहीं हो। पीछे आप देख सकते हैं कि हर बेड पे हमने ऑक्सीजन का पैनल डाला है जिससे कि 24 घंटा 24 आवर अनइंटरप्टेड ऑक्सीजन चलेगा, कोई भी मरीज बिना ऑक्सीजन के अभाव में किसी की मृत्यु नहीं हो सकती है। ऊपर में ऑपरेशन थिएटर है छोटा, मेडिसिन काउंटर हमेशा खुला रहेगा 24 घंटा, लैब है वो 24 घंटा खुला रहेगा। मतलब ये रामदेव पासवान जी जुड़ रहे हैं जो पूर्व रेल कर्मचारी, ऐसे में छाजा में हॉस्पिटल करने में जैसा कि आप जानते हैं दर्शकों ये हॉस्पिटल एक तरह से इन्हीं का है और समाज सेवा के लिए इन्होंने ये हॉस्पिटल छाजा में खोला है। इनके दिल में दर्द उठा होगा, कहीं ना कहीं कसक रही होगी, तभी झाझा जैसे पिछड़े जगह में इन्होंने हॉस्पिटल खोलने की ठानी होगी। दर्शकों जैसा आप जानते हैं पिछले 3-4 दिन पहले एक युवा लड़के की मौत हो गई डॉक्टर के दरवाजा नहीं खोलने के कारण। हम रामदेव जी से जानना चाहेंगे हॉस्पिटल खोलने का सर क्या योगदान है। अभी झाझा में लोगों का जो आग्रह देखे, यहाँ का जो बहुत बड़ा समस्या देखे कि रात्रि में डॉक्टर लोग सेवा उपलब्ध नहीं कराते हैं जिसके वजह से सिर्फ ऑक्सीजन के कमी के वजह से मर जाते हैं। डॉक्टर के पास दरवाज़ा नहीं खोलते हैं, डॉक्टर प्राथमिक इलाज भी कर देता तो वह वैसे आदमी पर जाता लेकिन इसके अभाव में मर जाते हैं। ये मेरे लिए असहनीय है, मैं कहीं कहीं ना कहीं आपके दिल में बहुत दर्द हो रहा है, बहुत बड़ा दर्द। और लोगों जिसने भी जाना ये बात उन्होंने हमसे ज़रूर आग्रह किया कि झाझा में आप एक अस्पताल खोलिए जो रात्रि सेवा दे और वैसा कोई स्थिति ना हो कि रोगी यहाँ से मतलब ऑक्सीजन के वजह से या मामूली ट्रीटमेंट के वजह से मर जाए। तो ये बात हमको बहुत खल रहा था। दो दिन पहले जो एक घटना घटी, 12 बजे रात्रि को हमारे गांव के बगल के ही एक लोग पेट में दर्द उठा, कोई बहुत बड़ी बीमारी नहीं थी लेकिन कारण क्या हो सकता है ये हम नहीं जानते हैं, लेकिन वो दर्द के वजह से पूरे झाझा में वो घूमते फिरते रहा सरकारी अस्पताल से लेकर के निजी चिकित्सक तक के यहाँ, लेकिन किसी ने उसकी जान बचाने या देखने की तोहमत नहीं की। ये दुखनीय घटना है और आज के बाद ये स्थिति झाझा में कभी पैदा नहीं होगा। बहुत बड़ी बात है, जैसा कि दर्शकों जानते हैं सरकारी हॉस्पिटल आजकल हाथी के दांत की तरह हो गए। नेत्री जुड़ रही हैं, मैं उन्हीं से जानूंगा कि झाझा में हॉस्पिटल खोलना आम जनता के लिए कितना लाभदायक होगा। जी नमस्कार, सबसे पहले मैं पुष्पांजलि के डायरेक्टर जो हैं डॉक्टर प्रीतम सर, मैं उनको धन्यवाद देती हूँ। इनके मेहनत से आज इतना बड़ा हॉस्पिटल हमारे झाझा क्षेत्र में खुला है। हम लोगों महिला लोगों को भी बहुत दिक्कत होती थी, अब बहुत सुविधा है, 24 घंटा सेवा चालू है हॉस्पिटल में। और फिर मैं डॉक्टर प्रीतम को बहुत बहुत पूरे झाझा वासियों की ओर से धन्यवाद देती हूँ। हमारे साथ बीएन शर्मा स्टेशन मैनेजर की दौर जुड़ रहे हैं। रेल कर्मचारी का बेटा झाझा में रेल हॉस्पिटल खोला है, ऐसे में रेल कर्मचारी को गर्व होने की लाजमी बनती है। मैं बात करना होगा बीएन शर्मा से, क्या शुभकामना है? आज मुझे बहुत खुशी है इस बात की, झाझा में कई वर्षों से हमारे भाई बहन लोग परेशान रहते थे इलाज के लिए और तुरंत तुरंत के प्राण दे देते थे, लेकिन आज बड़ी खुशी की बात है, कितनी बड़ी हॉस्पिटल खुली है जहाँ हर व्यवस्था है, उसमें हमारे बच्चे हमारे भाई बहन जितने भी हैं आज स्वास्थ्य के लिए आएंगे और सुरक्षित रहेंगे। मुझे बड़ी खुशी है, मैं इसके लिए धन्यवाद देता हूँ। जय श्री गुरु। और रात्रि सेवा हमारे साथ बिहार सरकार के पूर्व मंत्री दामोदर जी जुड़ रहे हैं, मैं उनसे क्या शुभकामना हॉस्पिटल के लिए मैं जानना चाहूँगा सर।
ये पुष्पांजलि हॉस्पिटल का जो उद्घाटन हुआ है, यह सुपर स्पेशलिस्ट हॉस्पिटल है जैसा मैं देख रहा हूँ। झाझा की यह जरूरत, झाझा के लोगों की जरूरत थी और झाझा का नौजवान जो इस हॉस्पिटल को खोला है वह तारीफ के काबिल है। मैं इस अस्पताल को शुभकामना देता हूँ कि यह अच्छी तरह से इस क्षेत्र के लोगों को, गरीबों की सेवा कर सके, यहाँ के लोगों की सेवा कर सके। और यह नौजवान जिसने अपने साथियों के साथ इस हॉस्पिटल का उद्घाटन किया है शुरुआत किया है, यह तरक्की करे। हमारे साथ थे बिहार सरकार के पूर्व मंत्री दामोदर रावत जी।